दे दिए पानी। वेरी गुड, अच्छे से मिक्स करना इसको। हमारी प्यारी भाभी की शादी है, अच्छे से रचना चाहिए मेहंदी उनके हाथ में। हा? इस घर के जिस औरत के हाथ की मेहंदी सबसे लाल होगी उसे हम एक हीरे का हार देंगे। ये मेरा लकी पेन है, इसे साइन करोगी तो सब काम अच्छा ही होगा। एक छोटा सा पेन, कुछ याद आया, उसमें जरा सा भी बॉम्ब लगा दो तो जब वो फटता है बूम। क्या हुआ भूमि, मुंह पे इस तरह से 12 क्यों बजे हुए हैं? मेहंदी पसंद नहीं आ रही है इसीलिए इतने आड़े टेढ़े मुंह बना रही हो ना? अरे अभी तो पति का नाम लिखवाना बाकी है, वो भी तो लिखवाना है। और कुछ रंग लाए ना लाए, आपके पति के नाम पे रंग जरूर आना चाहिए। आपके पति के नाम की स्पेलिंग क्या है? ए। आगे बोलिए। एन एस एच। भूमि, अरे भूमि नाम तो लिखवा लो। भूमि 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 सुनो। क्या हुआ? इसे पानी में डाल देती हूँ, शायद काम ना करे। भूमि भूमि पानी में। हमारा मतलब है मेहंदी पानी में। ओहो भूमि, अगर मेहंदी पसंद नहीं आई थी तो कम से कम बाथरूम में जाके हाथ धो लेती। इतनी जल्दी थी मेहंदी निकालने की? गाड़ी धोने वाले पानी से तुम मेहंदी धो रही हो? अरे भाई नहीं लगवानी थी, मना कर देती। हमारी माता श्री तुम्हें खा थोड़ी ना जाती। हाँ है ना, सही कहा ना हमने? भूमि भूमि ये सब क्या है? ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? बोलो। अरे क्या हुआ भूमि, गोन काली क्या चिपक गया मुँह? वैसे तो बड़ी पटर पटर जबान चलती, अब क्या हुआ कुछ बोल काहे नहीं रही हो? अंश में वो मैं वो क्या क्या मैं ये रैशेस? कहीं ये रैशेस की वजह से तो तुमने ये सब कैसे हुआ? बोलो भगवान ये सब कैसे हो गया?
लो फिर चमक गई इसकी किस्मत। इस बात भी डांट की जाए कि प्यार मिल रहा है इसे। भगवान कौन सी कलम से इसकी किस्मत लिख के भेजे हो, हमारा हर बार इसके लिए उल्टा ही पड़ जाता है। जरूर मेहंदी में मिलावट की वजह से हुआ होगा। घनश्याम, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेहंदी को सिर्फ गोलना है, फिर तुमने ऐसा क्या मिला दिया मेहंदी में कि इसे जलने लगा। भाभी माँ, मैंने तो वही मेहंदी दी थी जो लता भाभी ने दी थी, और जैसा कि आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। बस बीच में मैं थोड़ी देर के लिए बाहर। चुप, बदतमीज कहीं का, एक तो गलती करता है, देख तेरी वजह से क्या हुआ भूमि के हाथ में, और ऊपर से मुंह चलाते। चलो जाओ यहाँ से, ज्यादा बकर बकर करने की जरूरत नहीं है। समझ नहीं आ रहा हमने क्या कहा, जाओ चलो। मैडम जी, हो सके तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जाओ तुम। बेटा, अगर तुम्हें जलन हो रही थी तो पहले क्यों नहीं बताया? नहीं बड़ी माँ, मैं मेहंदी रोक के अपशगुन नहीं करना चाहती थी। अरे खुद को तकलीफ दे के कोई काम शुभ नहीं होता। जो हुआ सो हुआ, अभी तुम्हें मेहंदी लगाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं बड़ी माँ, मैं मेहंदी लगवाऊंगी, थोड़े से रैशेज हैं, दवाई से ठीक हो जाएंगे। बेटा, अब की बार मेहंदी हम अपने हाथ से घोलेंगे। चलो मैं तुम्हारे हाथों पर दवाई लगा देता हूँ। लो भाई, अब तो ये माता जी की प्रतियोगिता से आउट हो चुकी है। अब तो बस कंपटीशन हमारे बीच चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे, जिसका पति हमारे मान जैसा हो, जो अपनी पत्नी को इतना प्यार करने वाला हो, उसके हाथों की मेहंदी कभी फीकी नहीं होती। अंश का ये प्यार उनकी परवाह भूमि के लिए है। अगर उन्हें सच्चाई पता होती तो शायद ये सब ना होता। ये प्लान था तुम्हारा, ये हाँ, उसके मेहंदी में केमिकल मिला। तुम 4 साल की बच्ची हो जो ऐसे खेल खेल रही हो। तुम्हारी इस बचकानी हरकत की वजह से मेरा कितना बड़ा प्लान फेल हो गया। कौन सा प्लान, काय का प्लान? अब क्या नया काम करने वाले थे? लो जी, कुछ करना था तो हमें बता दिया होता। पर बुद्धि तो ठस है, ठस बुद्धि रहोगे हमेशा। राजा बनने चले थे बड़े आए, लो हो गया ना ताए ताए फेज सबका। अरे हमें बता दिया होता भाई, बंद बुद्ध।
मान, भूमि, माँ, आप यहाँ? बेटा, अगर दवाई लग गई हो, तो मेहंदी के लिए चले? हाँ, मैं तो बस वो। अब जी माँ, आप चलिए, हम बस आ रहे हैं। ठीक है। चले। अब एक मिनट, अभी आता हूं। हेलो जी मैम, गीता बोल रही हूँ। कल आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए यहाँ आना होगा। हाँ, कल मैं पक्का आ जाऊंगी। थैंक यू। चलो, अब तुम्हारा हाथ कैसा? बेटर। बेगम साहिबा छुप छुप के किससे बात कर रही थी? अब क्या नया चक्का चला रही है बेगम साहिबा? मजा आएगा। आओ बेटा। बैठो। तानिया, मेहंदी शुरू करो। तुम भी तो बैठो ना, बैठो। आज कई दिनों बाद तुम दोनों के चेहरे पर वही पहले वाली चमक दिखाई दे रही है। आज लग रहा है कि इस घर में शादी है और तुम दोनों दुल्हा दुल्हन हो। स्पेलिंग क्या लिखूं? A N S H A। अपना नाम ढूंढ रहे हो ना? वो नहीं, अभी नहीं। शादी के सारे रीति रिवाजों के बाद इस मेहंदी में तुम अपना नाम ढूंढोगे। चलो उठो, उठो, जाओ यहाँ से, चलो। लता दीदी, नींबू शक्कर का घोल लगा दो ना। ठीक है।
दिखाओ दिखाओ। अच्छी क्या भाभी माँ, जब आपने पहले से ही मन मना लिया था कि आप भूमि को ही हार देने वाले हो, तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों? हाँ भाभी माँ, इस बार तो ना मैं भी सुमन के साथ हूँ। हाँ, ये तो चीटिंग है। देखो ना, इसकी मेहंदी तो गाड़ी भी नहीं है। फिर पवित्रा, बात सिर्फ मेहंदी के रंग से नहीं होती, उस रंग के मायने से होती है। जिस पति पत्नी में प्यार हो, विश्वास हो, एक दूसरे की बेपनाह परवाह करते हो, मान और भूमि का ये रिश्ता इन सारे पैमानों में खरा उतरा है। लता सुमन, तुम दोनों भी हमारे फैसले से सहमत हो ना? जी। इसलिए ये हार की हकदार सिर्फ भूमि है। शकुन तो हो गया ना, पर तुम्हें अपने अगले महीने का चेक नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तुम ही रख लो पवित्र। और आज तक तुमने मुझे जो भी पैसे दिए वो सब लौटा दूंगी। या तो सुरभि के लिए अपने प्यार को अपना कर उसे अपनी जिंदगी में वापस ले आओ, या फिर उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाने दो। अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे हैं, कहाँ आग लग गई? अब वो मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल नीचे रह गई, बस वही लेने जा। अच्छा, तो वो क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या कर रही हूँ वरुण? तुम पवित्रा से पैसे क्यों नहीं ले रही हो? क्या हो गया तुम्हें? अपनी गलती का एहसास मुझे समझ में आ गया है वरुण। वो पैसे मेरे किसी काम के नहीं, मुझे तो वो पैसे अब चाहिए भी नहीं। अगर तुम पवित्रा के साथ खुश हो तो तुम्हें आगे बढ़ने का पूरा हक है। It's just that
मुझे रियलाइज हो गया कि मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की।